दोस्तों, हम मोटे कैसे हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? हम में से कई लोग मोटापे के शिकार हैं। पुरुषों में पेट निकलने की समस्या है। तो चलिए दोस्तों, हम सारी प्रक्रिया आपको समझाते हैं कि हमारा शरीर आखिर फैट कैसे बनाता है, उसे जमा क्यों करता है, और हम अंत में ये भी पता लगाएंगे कि हम मोटे कैसे हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जिसका नाम है साइंस शो। और आज इसी कड़ी में हम जानेंगे कि हम मोटे कैसे हो जाते हैं। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं। चावल और गेहूं में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करता है। हमारे दिमाग की कोशिकाओं को कार्बोहाइड्रेट फैट से ज़्यादा पसंद है, इसलिए खाने में कार्बोहाइड्रेट होना जरूरी है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट उतना ही ले जितना आपके शरीर के आवश्यकता के अनुसार है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चावल खाते हैं तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर शुगर यानी कि ग्लूकोज में बदल देता है, और उसी समय इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन पैनक्रियास द्वारा बनाया जाता है। पैनक्रियास को हम अग्न्याशय भी बोलते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है एनर्जी बनाने के लिए। ग्लूकोज को पचाने के लिए हमारी कोशिकाओं को इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना खाते हैं तो वो पचकर ग्लूकोज में बदल जाता है, और हमारी छोटी आंत ग्लूकोज को खून में मिला देती है। जब ग्लूकोज खून में मिलता है तो हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और इसी समय इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन फिर हमारी कोशिकाओं को खून से शुगर यानी कि ग्लूकोज लेने का संदेश देता है। इंसुलिन हमारे खून के शुगर की मात्रा को नियंत्रण में रखता है। जब हमारे खून में ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो इंसुलिन शरीर को ये संदेश देता है कि ग्लूकोज को लिवर में एकत्रित कर लिया जाए। ये एकत्रित शुगर तब एक दोबारा रक्त प्रवाह में नहीं मिलता जब तक खून में शुगर का लेवल कम नहीं हो जाता। दोस्तों, कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज जलकर हीट यानी कि गर्मी और एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के रहते हुए ग्लूकोज एनर्जी में बदल जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हर कोशिकाओं में पाया जाता है। जब हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फैट यानी तेल भी जमा होता है तो बॉडी उसे यूज नहीं करता, बल्कि डायरेक्ट उसे फैट सेल्स में स्टोर करके रख लेता है भविष्य में यूज करने के लिए। जब हम जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं तो हमारा लिवर उसे ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन लिवर और मसल की कोशिकाओं में स्टोर हो जाता है। जब हमारी रक्त कोशिकाओं में यानी कि खून में शुगर की मात्रा कम हो जाती है तो हमारा शरीर इसी ग्लाइकोजन का इस्तेमाल कर एनर्जी बनाने के लिए उपयोग करता है। अगर हम दिन में 2 बार खाते हैं तो बीच के समय में हमारा शरीर ग्लाइकोजन का यूज करता है और हम एनर्जी लेस फील नहीं करते। ग्लाइकोजन की वजह से हमें हर समय खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, अब अगर हम अपने शरीर को और भी ज्यादा कार्ब्स दे दें ग्लाइकोजन के रहते हुए भी, तो वो परमानेंट स्टोरेज में फैट बनकर चला जाता है। ये प्रक्रिया लिवर में होता है, जहां जरूरत से ज्यादा कार्ब्स फैट में बदल जाते हैं, और यहीं से हमारे मोटापे की शुरुआत होती है। हम अगर एनर्जी यूज नहीं करें, बस खाते रहें, तो जल्द ही मोटे हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, इसलिए जरूर खाएं। तो दोस्तों, अब आपको बखूबी पता चल गया होगा कि हम मोटे कैसे होते हैं। आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और भी दुनिया भर के ऐसे साइंस से जुड़े हुए कहानी और तथ्यों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और देखते रहिए साइंस शो। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।